स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हाई कोर्ट LDC भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप सभी के एग्ज़ाम अब आ चुके हैं, कल की डेट में यानी कि 12 मार्च को एक एग्ज़ाम होने वाला है और इसके अलावा अगले रविवार को यानी कि 19 मार्च को एक और एग्ज़ाम होगा। तो इस बार हाई कोर्ट LDC का जो एग्ज़ाम है वो दो शिफ्ट में होने वाला है, जबकि पिछली बार एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाया गया था लेकिन उसे कैंसिल किया गया। और अभी इस बार जो है दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि आपके दो पेपर आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो इनका भी कल की डेट में एग्ज़ाम है उनके लिए अब क्या ज़रूरी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो ये जानना चाहते हैं कि मिनिमम कितने मार्क्स लेकर आना ज़रूरी है अगर उन्हें फाइनल सिलेक्शन में शामिल होना है। तो अभी यहाँ पर जैसा पिछली बार का पेपर हुआ था उससे यहाँ पर जो पेपर है उसका लेवल कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले जो ये भर्ती थी ये 12th लेवल पर थी लेकिन अब इसमें ग्रेजुएशन लेवल को शामिल किया गया, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस आधार पे यहाँ पर आपको जो है पिछली बार से जो पेपर है वो इस बार का पेपर थोड़ा सा लेवल का देखने को मिल सकता है। तो उसके आधार पे यहाँ पर जो है आपको कट ऑफ बताई जा रही है, यानी कि एक तरीके से आपका कितना स्कोर कम से कम होना चाहिए जिससे कि आप फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो सकते हैं। ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो है टाइपिंग, यानी कि इसके बाद जो टाइपिंग होगी अगर उसमें आप अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो इसमें आपका कितना स्कोर होना ज़रूरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप जो है जो स्कोर बताया जा रहा है उतना लेकर आ जाए लेकिन आप टाइपिंग में अगर बाहर हो जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर टाइपिंग क्लियर कर लेते हैं अच्छे मार्क्स के साथ तब आपका स्कोर इसमें कितना होना चाहिए, तो उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर हाई कोर्ट का जो पैटर्न रहा है उस आधार पे यहाँ पे पिछले पेपर से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर आपके तीन सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है और GK है, जिसमें कि करंट अफेयर भी शामिल है। इन तीनों सब्जेक्ट के आपके 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर टाइम कम है, 2 घंटे का समय आपको दिया जाने वाला है। साथ ही यहाँ पर जो है आपका OMR बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी कम समय मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए। अगर हम कंपेयर करें CET से तो CET में भी 150 क्वेश्चन थे लेकिन वहाँ पर आपके पास 3 घंटे का समय था, यहाँ पर 150 क्वेश्चन है लेकिन आपके पास 2 घंटे का समय है, ठीक है। और OMR बेस्ड टेस्ट है तो यहाँ पर आपका काफ़ी समय जो है वो गोले करने में चला जाता है, तो यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि परीक्षा से पहले कितना स्कोर आपके लिए ज़रूरी है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लेकिन कितने सही होने चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही पिछली परीक्षा से कितने प्रश्न दोबारा आ सकते हैं, तो लगभग अनुमान है कि हर सब्जेक्ट में यानी कि हिंदी में, इंग्लिश में और आपके GK में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं, यानी कि पिछली बार के पेपर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे। तो जिन भी अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम है कल की डेट में उन्हें आज सिर्फ इतना करना है कि लास्ट जो पेपर हुआ था उसे उन्हें एक बार ज़रूर देख लेना है, ठीक है। इसके साथ ही जितने भी पेपर अभी हुए हैं चाहे वो CET का हो, रीट का हो, इसमें जो क्वेश्चन आपके मतलब के हैं यानी कि जो हिंदी के हैं या इंग्लिश के या GK के हैं तो उन क्वेश्चन को आपको एक बार ज़रूर देख लेना है क्योंकि वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कितना मिनिमम स्कोर लेके चलना है जिससे कि एक तरीके से आप फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो सकते हैं, यानी कि इतना स्कोर आपको लेके आना है 300 नंबर में से। एक क्वेश्चन 200 नंबर का है, 150 क्वेश्चन है तो 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर आपके कितने नंबर किस कैटेगरी में होने ज़रूरी है, यहाँ पर जो आपको बताया गया है ये non-TSP एरिया के लिए है, ठीक है। non-TSP एरिया में किस किस कैटेगरी में आपके कितने नंबर होने चाहिए जिससे कि आप फाइनल सिलेक्शन में आ सकते हैं अगर आपका टाइपिंग बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो सबसे पहली बात, जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको स्कोर बताया गया है। जनरल मेल 230 नंबर का स्कोर आपके लिए होना चाहिए अगर आप फाइनल सिलेक्शन में आना चाहते हैं। टाइपिंग की बात बाद में होगी, यानी कि टाइपिंग में अगर आप अच्छे नंबर ले आते हैं तब आपके लिए ये स्कोर सफिशियंट रहेगा। जनरल फीमेल 215 नंबर कम से कम आपको लाने ज़रूरी है। OBC मेल 225 नंबर, OBC फीमेल 210 नंबर, EWS मेल 220 नंबर और EWS फीमेल 205 नंबर मिनिमम स्कोर आपको ज़रूर लेकर आना है। MBC मेल में 210 नंबर और MBC फीमेल 200 नंबर एक फाइनल सिलेक्शन के लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है। SC में 200 नंबर और SC फीमेल में 190 नंबर देखने को, यानी कि आप लेकर आएंगे तो फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो सकते हैं। और ST जो मेल है
इसमें 200 नंबर और फीमेल के लिए 180 नब्बे नंबर, 190 नंबर लाना ज़रूरी है। मैं आपको एक बार फिर से कह देता हूँ कि अगर आप इतने नंबर ले आते हैं लेकिन आपकी टाइपिंग भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि टाइपिंग के लिए भी यहाँ पे 100 नंबर का होने वाला है, आपका टाइपिंग टेस्ट भी 100 नंबर का होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर तो ये स्कोर लेकर आ जाए लेकिन टाइपिंग में आप नंबर नहीं ला पाए तो फाइनल सिलेक्शन में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि टाइपिंग में आप काफ़ी अच्छा कर लेंगे, तो उस आधार पर आपके यहाँ पर इस कैटेगरी में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका इतना स्कोर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट है तो आपका इतना स्कोर होना ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि आपका जो टाइपिंग है वो बहुत अच्छे से निकल जाए। अगली बात यहाँ पर यह आती है कि हाईकोर्ट LDC कि जो ये भर्ती है जल्द से जल्द कंप्लीट करवाई जाएगी, तो आपका टाइपिंग कब तक होगा, यानी कि टाइपिंग के लिए आपको कितना समय मिलने वाला है। तो एक बात आप मान के चलिए, अगर ये स्कोर आप ले आते हैं तो आपको सीधे ही अगले दिन, यानी कि जैसा आप सभी जानते हैं कि इसके आंसर की भी जल्दी आ जाती है, साथ में आपका यूट्यूब चैनल से अपने आंसर की मिला लेते हैं, तो आपको एक अनुमान लग जाता है कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं या इससे कुछ कम भी है, यानी कि 5 से 5-1 नंबर अगर इससे कम भी है, तब भी आपको टाइपिंग बहुत अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग भी बहुत ज़रूरी है और इसकी टाइपिंग बाकी भर्तियों की टाइपिंग से काफ़ी जो है लेवल की होती है। ठीक है, हाईकोर्ट LDC की टाइपिंग जो होती है वो काफ़ी लेवल की आती है, तो उस हिसाब से अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, इसके आसपास भी हैं, तो आपको अभी से, यानी कि जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उसके अगले दिन से ही आपको जो है टाइपिंग पे लग जाना है। जिन्होंने भी टाइपिंग शुरू नहीं की है, जिन्होंने कर रखी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की है उनके लिए ज़रूरी है कि अगर वो इतना स्कोर प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें एक तरीके से टाइपिंग शुरू कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम अगर मान के चले तो 2.5 महीने का समय आपको मिल सकता है और इतने समय में आप एक अच्छी टाइपिंग कर सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छी टाइपिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उस आधार पे यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग है वो जून के लास्ट में या जुलाई के महीने में आपको 100% देखने को मिल जाएगी। तो टाइपिंग भी आपको समय रहते शुरू कर देनी है, तो जैसे ही पेपर हो जाता है वैसे ही आप अपने नंबर मिलाइएगा और जो भी आपके नंबर बन रहे हैं वो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप मान के चलिए अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन में आ सकते हैं और टाइपिंग भी आपको ज़रूर अच्छे से करनी होगी। तो यह था हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।